स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन टू डे ओवर एक्सरसाइज इज फाइव बी वी हैव कम्पलीटेड इट्स क्वेश्चन नंबर वन टू टू डे वी कैन मूव ऑनवर टू क्वेश्चन नंबर थ्री द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस वन ट्वेंटी नाइन दो नंबर इंटीजर्स मैंने आपको पहले भी अपनी प्रिवियस वीडियोज में भी बताया है और जिनको इसमें कन्फ्यूजन है वो जाके प्रीवियस वीडियोज वॉच करें कि जो सम ऑफ टू इंटीजर्स इंटीजर्स कहते हैं नंबर्स को द सम ऑफ टू इंटीजर्स और इंटीजर्स के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ज़रूर आता है ठीक है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस वन ट्वेंटी नाइन दो इंटीजर्स हैं दो नंबर्स हैं और उनका सम सम प्लस उनका सम उनको प्लस करने से आंसर आ रहा है माइनस वन ट्वेंटी नाइन मतलब नेगेटिव में आंसर आ रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं इफ़ वन ऑफ दैम इज़ वन फिफ्टी अगर एक जो है वो वन फिफ्टी है फाइंड द अदर तो हमने दूसरे नंबर को फाइंड आउट करना है नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ विच इज़ द सम ऑफ़ टू इंटीजर्स इज़ वन ट्वेंटी माइनस वन ट्वेंटी नाइन इफ़ वन ऑफ़ डैम मतलब दो नंबर्स को प्लस किया एक्स प्लस वाई किया तो आंसर आया वन ट्वेंटी नाइन की मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि अगर दो नंबर्स को प्लस किया और आंसर वन ट्वेंटी नाइन आया अगर उनमें से एक जो है इफ़ वन ऑफ डैम इज़ वन फिफ्टी अगर उनमें से एक वन फिफ्टी है तो आपने दूसरे वाले को मालूम करना है कि दूसरा नंबर कौन सा हो सकता है सो नाउ लेट्स मूव सम ऑफ इंटीजर्स पहले हम लिख देते हैं सम ऑफ इंटीजर्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन में से ही हमें स्टेटमेंट मिल जाती है फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर इज हम हमारे पास क्या होगा वन फिफ्टी सेकेंड नंबर हमने मालूम करना है जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फ़र्स्ट नंबर हमें मालूम होता था और सेकंड नंबर हमने मालूम करना होता था तो इसमें भी सेम वैसे ही है मैंने आप जो जो चीज़ मालूम करनी है आप उसको एक्स से डिनोट कर दें या उधर क्वेश्चन मार्क लगा दें आपकी अपनी मर्जी है ठीक है इसलिए मैंने बीच में स्लैश लगा दी है अब चलें उन्होंने कहा कि एक्स प्लस वाई आपके पास आ गया माइनस वन ट्वेंटी नाइन ठीक है ऑब्वियसली एक्स हमने फाइंड आउट करना है तो वाई की वैल्यू हमारे पास है वन फिफ्टी इक्वल्स टू वन ट्वेंटी नाइन माइनस वन ट्वेंटी नाइन इधर मैंने स्पेस थोड़ी कम छोड़ दी है मुझसे मिस्टेक हो गया है चलें बाकी का यहाँ पर सॉल्व करते हैं अब ये हमने x को सेपरेट करना है अकेला कर देना है जब हम x को अकेला करेंगे तब जाके हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन ट्वेंटी नाइन वन फिफ्टी इधर पॉजिटिव का है हमेशा याद रखिएगा इक्वल के एक साइड से जब दूसरी साइड चीज़ जाती है या कोई नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है इधर वन फिफ्टी प्लस का है तो इधर आके माइनस वन फिफ्टी माइनस माइनस मैंने आपको ये अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस होता है प्लस ठीक है माइनस माइनस हो जाता है प्लस मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे ऐड करेंगे नाइन टू सेवेंटी नाइन हमारे पास आंसर आ गया है और इसके सामने साइन लगेगा ऑब्वियसली बिगर वैल्यू का और बिगर वैल्यू के सामने माइनस का साइन है इसलिए इधर भी माइनस मतलब कि हमारे पास जो सेकंड नंबर नहीं था वो आंसर आ गया है नाउ मूविंग टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर द सम ऑफ टू इंटीजर्स बिल्कुल सेम वैसा ही इन्होंने कहा है इज़ फिफ्टी टू अगर दो नंबर्स को इंटीजर्स उनको कहते हैं जिनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर तो हम इसको कहते हैं ना वन टू थ्री फोर लेकिन इंटीजर्स उनको कहते हैं जिनके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है इज़ फिफ्टी टू इफ़ वन ऑफ दैम इज़ माइनस एटीन सेम वैसे ही अगर उनमें से एक माइनस एटीन है फाइंड द अदर सम ऑफ इंटीजर्स इज़ फिफ्टी टू इफ वन ऑफ देम फर्स्ट नंबर इज माइनस एटीन सेकेंड वन इज हमने फाइंड आउट करना है सेकेंड नंबर या इंटीजर हमने फाइंड आउट करना है सेम वही फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फिफ्टी टू एक्स हमने फाइंड आउट करना है वाई है हमारे पास माइनस एटीन इक्वल्स टू फिफ्टी टू अब आप कहेंगे आपने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा क्योंकि बाहर तो हमने प्लस का साइन ही क्योंकि हमने किया सम ही है दोनों नंबर्स को किया सम ही है चाहे इसके साथ नेगेटिव का साइन है इसीलिए हमने इनको ब्रैकेट में लिख दिया है एक्स प्लस माइनस माइनस एटीन इक्वल्स टू फिफ्टी टू अब आप कहेंगे इधर साइन चेंज हो गया देखें जब प्लस या माइनस करने की बात आती है ना तो हम लोग इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस और साइन बिगर वैल्यू का आ जाता है लेकिन जब मल्टीप्लाई की बात आती है जब ही ब्रैकेट से होंगी और बाहर साइन होंगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जब मल्टीप्लाई की बात आएगी तो प्लस माइनस इज़ माइनस ठीक है एक्स इक्वल्स टू फिफ्टी टू एटीन इधर प्लस का है इधर जाके इधर माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा एटी टू और एटीन को प्लस करें तो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉरी सेवेंटी ठीक है हमारे पास आंसर क्या आया सेवेंटी सेवनटी इज ओवर आंसर नेक्स्ट मूव करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस वन सिक्सटी इफ वन ऑफ देम इज़ एट फाइंड द अदर सेम वही क्वेश्चन है कि आपने सम ऑफ इंटीजर्स हैं हमारे पास माइनस वन सिक्सटी ठीक है फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो है एट सेकंड नंबर हमने मालूम करना है कि कौन से दो नंबर्स को ऐड करके हमारे पास माइनस वन सिक्सटी आया सेम वो ही एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वन सिक्सटी एक्स की वैल्यू ए सॉरी एक्स एज इट इज़ y की वैल्यू एट इक्वल्स टू माइनस वन सिक्सटी अच्छा अब एट इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया माइनस का एट एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाता तो है तो वन सिक्सटी एट और साइन बिगर वैल्यू का इज योर आंसर ठीक है सो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़